दोस्तों वेलकम टू चैनल एसके 11 फैंटेसी। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अफ्रीका टी20 कॉन्टिनेंट कप का जो मैच खेले जाएंगे रवांडा वर्सेस उगांडा के बीच में, तो उसी के बारे में। यहाँ पर आप दोस्तों मैच टाइम देख सकते हैं, आज शाम 4 बजे पे स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उस हिसाब से एक्टिव रहिएगा। तो यहाँ पर दोनों टीम की अगर मैच विनिंग प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए तो उगांडा के जीतने का चांस 95% रहेंगे और यहाँ पर दोस्तों रवांडा के जीतने का चांस 3% रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम टीम होना चाहिए दोस्तों वो उगांडा का फेवरेट में होना चाहिए और ड्रीम इलेवन पर बिल्कुल दोस्तों उगांडा की तरफ से 10 खिलाड़ी 9 खिलाड़ी या फिर 8 खिलाड़ी को लेके जा सकते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल अपनी मनमर्जी टीम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया पहले तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप जो फाइनल टीम रहेंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे और टेलीग्राम चैनल के लिंक आप किसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बोत्सवाना के बीच में जो मैच हुआ था आप देख सकते हैं, बोत्सवाना पहले बैटिंग करते हुए 114 रन बनाए थे और उगांडा पे आसानी से मैच को विन किए थे। तो उगांडा की तरफ से बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पे मुकासा पे 41 रन बनाए थे। एक खिलाड़ी आपके लिए बहुत ही बढ़िया और डिफेंसल पिक रहेंगे, आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इनको जरूर कैप्टनसी ट्राई कर लीजिएगा। फिर देखिए सिमोन सीजर जी 9 रन बनाए थे और एक खिलाड़ी लगातार फ्लॉप जा रहे हैं, फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे क्योंकि थोड़ा सा वीक टीम के साथ मैच है। यहाँ पर देखिए तो ऐसे 6-5 रन बनाए थे, इनको मैं ज्यादा रिकवर नहीं करूंगा क्योंकि इनका फॉर्म बहुत ही खराब है, रिसेंट फॉर्म, आप इनको बिल्कुल टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। रिजा कताली साहब बहुत ही बड़ी ऑप्शन रहेंगे और दिनेश राकरानी ये भी बहुत ही बड़ी ऑप्शन रहेंगे, ये दोनों कैप भीसी के लिए इस मैच में सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तब बिल्कुल इन दोनों को कैप भीसी बना के जा सकते हैं। फिर देखिए अल्पेश रमजानी तो 27 बनाए थे, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग कितने ओवर करेंगे बताना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि वीक टीम के साथ मैच है, तो हो सकता है इनको 2 से 3 ओवर मिल जाए, तो एक खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाएंगे। और मैच इस खिलाड़ी को ऑन डाउन पर से प्रमोट भी किए गए थे, तो आप इनको जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, आइए उनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कौन कितने ओवर बॉलिंग किए थे इस मैच में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 900 मंगा बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे, यहाँ पर भी 2 विकेट चटकाए थे और दोस्तों केनिया के साथ जो आज मैच था उसी मैच में भी 2 विकेट चटकाए थे एक मेडन के साथ, तो ये आपके टीम में मस्ट है पिक में होना चाहिए। और यहाँ पर उगाना चाहे पहले बॉलिंग करेंगे तो आप इस खिलाड़ी को कैप भी से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया डिफेंसर कैप भी से ऑप्शन रहेंगे। दिनेश नकरानी देख सकते हैं 4 ओवर में 2 विकेट, फिर देखिए बिलाल हसन 4 ओवर में 4 विकेट, देख सकते हैं सीशान लो 4 ओवर विकेटलेस गए थे, यहाँ पर देखिए रमजानी 3 ओवर 1 विकेट और फिर रिजा को तालीसा 1 ओवर 1 विकेट, लेकिन रिजा को तालीसा दोस्त आपकी इस मैच में कम से कम 3 से 4 ओवर जरूर दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा वीक टीम के साथ मैच था इसलिए इन्होंने ज्यादा बॉलिंग नहीं किया था। राउंडर के परफॉर्मेंस देख सकते जो कि केनिया के साथ था, देखिए पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए थे, यहाँ पर देखिए ओ टूसी अंग एक गेंद में 0 पर आउट हुए थे, फिर देखिए दीदी यार बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लगातार बैटिंग से परफॉर्मेंस दे रहा है, विकेट की सेक्शन में एक खिलाड़ी आपके लिए सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे, आप इनको बिल्कुल पिक करके जा सकते हैं। विल्सन 26 रन बनाए थे, फिर देखिए एरिक यहाँ पर 4 रन गेंद में 0 पर आउट हुए थे। क्लिंटन बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे, हालांकि इस मैच इन्होंने बॉलिंग नहीं किया था लेकिन सेकंड मैच में इन्होंने 4 ओवर की फुल बॉलिंग किए थे, तो बैटिंग सेक्शन में अगर मेंशन रहेंगे तो आप इनको जरूर पिक कर लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। फिर देखिए केविन इरा के जो 2 रन बनाए थे सिर्फ बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, यहाँ पर 7 रन बनाए थे। फिर देख सकते ऑस्कर जो कि विकेट की भी मेंशन है, आप इनको सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा, काफी नीचे आ रहे लेकिन यहाँ पर बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था देख सकते हैं। ठीक है, 14 गेंदों में 27 रन बनाए थे। यहाँ पर देखिए रुकी जीरा ये बहुत ही बढ़िया स्पिन बॉलर है, आप इनको लेकर जा सकते हैं और यहाँ पर जैपी बहुत ही बढ़िया बॉलर रहेंगे, फिर देखिए इग्नस ये भी एक अच्छे बॉलर है, तो आइए उनका बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि कौन कितने ओवर बॉलिंग किए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जैपी बिनेमी अब विकेटलेस गए थे, फिर देख सकते हैं इग्नस 4 ओवर 1 विकेट, मार्टिन ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किए थे 4 ओवर 1 मिनट के साथ 2 विकेट, फिर देखिए केविन इरा की जो 4 ओवर 1 विकेट और यहाँ पे इमिली रुकी रिचा बहुत ही बढ़िया बॉलिंग किए थे 4 ओवर में 3 विकेट चटका दिए थे। तो यहाँ पर दोस्तों केविन और यहाँ पे इरिकी ये भी दोनों अच्छे पिक रहेंगे, मार्टिन भी अच्छे पिक रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे लेकिन जो सबसे ज्यादा सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर देखिए दीदी और यहाँ पे आर मुकासा, दोनों ही बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। आर मुकासा को आप किसी भी हालत में ड्रॉप नहीं कर सकते, आपकी टीम में मास्टर पिक में होना चाहिए और कैप बेसिक के लिए भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। सिलेक्शन यहाँ पर ज्यादा नहीं है लेकिन आप इनको बिल्कुल ड्रॉप मत कर देना, नहीं तो आपका टीम दोस्तों विनिंग जोन से भी बाहर जा सकता है। मैंने यहाँ पर दोस्तों अभी के लिए दोनों खिलाड़ी के साथ जा रहा हूँ, दीदी आर को भी पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आर मुकासा को भी टीम में जगह दे रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्स में क्लिंटन, फिर देखिए आप सीसा जी बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेंगे, हालांकि दोनों ही मैचेस में इस खिलाड़ी ने फ्लॉप गए हैं, फिर भी आप इनके साथ जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है, तो मैंने अभी के लिए उनको पिक कर रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्स में दोस्तों यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि कैनल जय ऐसा बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे, दूसरी आएंगे एक अच्छे बैट्समैन है दोस्तों यहाँ पर राउंडर की तरफ से, लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है तो मैं इनको पिक नहीं करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रहेंगे विल्सन, आप इनको भी चाहते बैक कर सकते हैं और यहाँ पर कोई खास ऑप्शन नीचे है नहीं। ऑलराउंडर सेक्शन में टीन अकरानी, फिर देखिए
ई रुकी रिजा और ये दोस्तों मार्टिन, फिर दोस्तों रिजा कतालीस और फिर रामजानी, इन पांचों का आप ड्रॉप नहीं कर सकते। इस एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम चार ही खिलाड़ी को पिक कर पाओगे, वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों किसी एक खिलाड़ी को ड्रॉप करना पड़ेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों किसी एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, यहाँ पर ए रामजानी या फिर दोस्तों मार्टिन या फिर रुकी रिजा, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। दिनेश नकरानी और दोस्तों पे आर रालिसा, इन दोनों को ड्रॉप गलती से भी मत करना। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन रहेंगे, जैसा आप देख सकते हैं बिलाल हसन, फिर दोस्तों पे एफ नुसीबांगा, एच सीशान, तो बहुत ही बड़े ऑप्शन रहेंगे। मैंने दोस्तों एफ नुसीबांगा और यहाँ पर दोस्तों बी हसन को पिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एच सीशान तो बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, और अंडर की तरफ से बहुत ही बड़े पिक बन सकते हैं, जिसका नाम रहेंगे यहाँ पे केविन इराकुज, ठीक है। आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में जगह देकर जा सकते हैं इस मैच में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है तो बिल्कुल यहाँ पे एच सीशान जी को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा खराब है, तो किसी भी एक बॉलर की इनकी जगह लेकर जा सकते हैं। चलिए मैं इनको अभी ड्रॉप कर ही देता हूँ, और बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे किसी को पिक कर लेता हूँ। चलिए अभी एच सीशान को पिक करता हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी इस मैच में डिफेंसर पिक रहेंगे, और हो सकता है आपको जी एल जीता भी की दे दे, तो जी एल के लिए दोस्तों एक खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया ट्रम्प कार्ड और डिफेंसर पिक रहेगा, आप इनको जरूर लेके जाइएगा, कैप भी से भी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। सबांगों को कैप्टन और यहाँ पे एच सीशान को वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कीजिएगा एक आधा टीम में। अगर आपको दोस्तों एच सीशान नहीं चाहिए तो फिर आप राउंडर की तरफ से किसी एक खिलाड़ी को पिक कर सकते हैं, स्पेशली राउंडर जब पहले बॉलिंग करेंगे ना, तो राउंडर की तरफ से दोस्तों आपको बता देता हूँ कौन इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए आप जैसे केविन इराकुज बहुत ही बड़ी और डिफेंसर पिक रहेंगे, आप इनको बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। फिर दोस्तों जेपी ए भी बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, सिलेक्शन देखिए सिर्फ 3.5% सिलेक्शन है, खिलाड़ी भी आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जिसको भी चाहिए पिक कर लेना, ए सी सन रो या फिर दोस्तों केविन इराकुज, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ टॉस के अकॉर्डिंग आपको फाइनल टीम मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। क्योंकि राउंडर जब फिर बॉलिंग करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे किसी एक राउंडर की तरफ से प्लेयर को पिक करूंगा। चलिए अभी के लिए ए सीशान को जगह दे देता हूँ। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे दिनेश नकरानी और यहाँ पे आर अली शाह, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों डिफेंसर पिक रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों एफ नुसीबांगा, क्योंकि बहुत ही बड़े विकेट टेकर बॉलर है, और बिलाल हसन भी बहुत ही बढ़िया बॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिलाल हसन भी दोस्तों अच्छे खासा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं एज ए बॉलर, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में आर मुका साहब बहुत ही बढ़िया और डिफेंसर पिक रहेंगे, आप इनको बिल्कुल कैप्टन से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ई रुकी रिजा को काफ़ी सारा लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बना रखा है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने अभी के लिए कैप्टन से दिनेश नकरानी को दिया हूँ, वाइस कैप्टन से रिजा कतालीस साहब को ही दिया हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया दोस्तों वो चीज़ आप जरूर ट्राई कर लेना जी एल में। अगर आपको जी एल जीतना है तो आपको ऐसे ही दोस्तों कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर आर मुका साहब ये देखिए डीडीआर को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में क्लीन टर्न को पिक किया हूँ। क्लीन टर्न की जगह आप अपनी मनमर्जी खिलाड़ी को लेके जा सकते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया हूँ जिसका नाम है दोस्तों सीसा, जो वो बहुत ही बड़े पिक रहेंगे, हो सकते फाइनल टीम में उन्हीं को पिक करके चले जाऊँ, ठीक है। वो टॉस के अकॉर्डिंग आपको फाइनल टीम मिल जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में देखिए ए रामजानी, फिर देखिए रिजा कतालीसा और यहाँ पर दिनेश नकरानी को पिक किया हूँ, फिर ई रुकी रिजा को और यहाँ पे मार्टिन को पिक किया हूँ। बॉलिंग सेक्शन बिलाल हसन, फिर देखिए यहाँ पे एफ नुसीबांगा और यहाँ पे ए सीशान को पिक किया हूँ। ए सीशान की जगह राउंडर की तरफ से किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, आपको ए पैक ज्वाइन होना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फाइनल जो टीम रहेंगे, फाइनल जो अपडेट्स रहेंगे, आपके ए पे बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।